दून एयरपोर्ट फेज टू टर्मिनल का शुभारंभ सीएम धामी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर दिया है। इस कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअली माध्यम से जुड़े। वहीं अब एयरपोर्ट की यात्री क्षमता पहले के मुकाबले करीब 10 गुना बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि हम घरेलू विमानन बाजार में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक तरफ हम विमानन सेवाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हम आम आदमी के लिए इन सेवाओं का लाभ उठाना किफायती बना रहे हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार द्वारा प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों की हवाई कनेक्टिविटी सुदृढ़ करने के लिए 13 हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, उनका ये कहना गलत नहीं होगा कि ये देवभूमि भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए है। देहरादून एयरपोर्ट का एक लंबा इतिहास है और 2004 में देहरादून केवल 3 से जुड़ा शहर था और अब ये पूरे भारत के 13 शहरों में से जुड़ गया है। कुछ महीने पूर्व ही हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 18,000 फुट की ऊंचाई पर आदि कैलाश और पार्वती कुंड के दर्शन किए, उसके बाद उन्होंने जागेश्वर धाम के दर्शन किए और उसके बाद हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड आने वाले देश दुनिया के श्रद्धालुओं की, आस्थावान लोगों की, पर्यटकों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के जो हमारे पर्यटक स्थल हों, चाहे हमारे चार धाम हों, चाहे वो माड़ा से लेकर वाइब्रेंट विलेज माड़ा, नीति मलारी, गुंजी, ऐसे स्थान हो देश विदेश में, उन सभी को एक नई पहचान दिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है।